हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि HTML में मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, और किसी भी टेस्ट में या किसी भी डिप में हमें मार्जिन या पैडिंग यूज करना है तो वो कैसे यूज करते हैं, और कहाँ पे मार्जिन का यूज होता है और कहाँ पे पैडिंग का यूज होता है, वो सभी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे VS कोड ओपन है। अब इसमें एक डेफिनेशन है कि मार्जिन और पैडिंग की। तो मार्जिन इज सेड टू बी द आउटर स्पेस ऑफ एन एलिमेंट। तो ये क्या है, आउटर स्पेस यानी एलिमेंट के आउटसाइड में जो स्पेस है वो क्रिएट करता है। और इसके बाद अगर पैडिंग की बात करें तो पैडिंग यहाँ पे कहता है पैडिंग इज सेड टू बी द इनर स्पेस ऑफ द एलिमेंट। यदि कोई एलिमेंट आप यूज कर रहे हो और इनर साइड में आपको स्पेस क्रिएट करना है, जैसे आप कोई इनपुट टैग यूज कर रहे हो या आप डिप टैग यूज कर रहे हो और उसके इनर साइड में आपको स्पेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, पैडिंग का। लेकिन आपको कोई टेक्स्ट है और उसके आउटसाइड में, या कोई एलिमेंट है और उसके आउटसाइड में आपको स्पेस क्रिएट करना है, लेफ्ट साइड राइट, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, मार्जिन का। तो चलिए हम इन दोनों का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले HTML फाइल पे आते हैं, और यहाँ पे हम बॉडी टैग के अंदर हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और ये हमारी हमने क्या लिंक फाइल, ये जो इंडेक्स सीएसएस फाइल है, यहाँ पे लिंक है ऑलरेडी। तो आपकी फाइल यदि एचटीएमएल फाइल में लिंक नहीं है तो आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइल है, और इसके बाद आते हैं बॉडी टैग पे। तो बॉडी टैग पे अभी यदि हम इसको देखें ब्राउजर ओपन करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा वेब पेज है, ये यहाँ पे क्या है, ब्लैंक आ रहा है। बॉडी टैग के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम कुछ टाइप डिप बनाते हैं, डिवीजन टैग का यूज करेंगे, डिप टैग। और डिप टैग का यूज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट आप डिप की यहाँ पे क्लास नेम दे सकते हो, क्लास नेम डिप वन कर देते हैं, या इसको पैरेंट दे देते हैं। ये क्या होगा, पैरेंट डिप। अब इस पैरेंट क्लास नेम को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इंडेक्स डॉट सीएसएस पे। अब हम इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इंडेक्स डॉट सीएसएस पे आते हैं, और हमें क्या करना है, क्लास नेम है तो हम डॉट लगाएंगे, और इसके बाद क्लास नेम हमारा क्या था, डिप वन कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है वो आप राइट करोगे। तो सबसे पहले तो डिवीजन टैग है, तो इसका आपको विड्थ हाइट देना पड़ेगा। तो विड्थ जैसे करो 300 px हम करते हैं अभी, और इसके बाद इसकी हाइट सेट करते हैं, ये भी करते हैं 300 px। इसके बाद इसका बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे इसका बॉर्डर देना है, ये हम देते हैं 2 px। और सॉलिड इसको ब्लैक कर देते हैं, कंट्रोल एस। ये हो गया आपका और डिप का, डिप वन यहाँ पे इसका। अच्छा एक सेकंड, इसका हमने क्लास नेम क्या दिया, पेरेंट दिया है, तो हमको यहाँ पे पेरेंट लिखना पड़ेगा। तो इसको डिप वन की जगह यहाँ पे राइट करेंगे हम पेरेंट, पेरेंट कंट्रोल एस। तो जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउजर में क्या आता है, आपका जो आपका वेब पेज है उसके अंदर आपको एक डिप टैग, डिवीजन टैग जो है वो बॉक्स आपको शो हो जाते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट राइट करना है। तो टेक्स्ट राइट करना है तो हम आते हैं HTML फाइल पे, और यहाँ पे आएंगे डिप टैग के अंदर, यहाँ पे हम पी टैग लेते हैं पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होते हैं इनको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ये टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया, और भी टेक्स्ट टाइप करना है तो हो इसमें क्या, आप एक लॉरम करके होता है जिसमें आप क्या डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ जितने आप नंबर देते हो उतने जो वर्ड हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो डिव है
डिप के अंदर हम एक बॉक्स बॉक्स समझ लो, तो ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारा क्या है टेक्स्ट हो गया। अब इसमें क्या है, आप देखो टॉप से स्पेस आ रहा है और बॉटम में भी स्पेस है, और जो इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट कैसा है, आप हमारा यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। जैसे आप एमएस वर्ड वगैरह में देखे होगे तो नॉर्मल डिफॉल्ट क्या आता है, लेफ्ट अलाइनमेंट आता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एचटीएमएल पे कुछ नहीं करना, हमें आना है सीएसएस फाइल पे, और सीएसएस फाइल पे यहाँ पे आप कर सकते हो जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको हम यहाँ पे सेंटर कर सकते हैं कंट्रोल एस, ये सेंटर में शो होगा। ऐसे टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई कंट्रोल एस करो, ये जस्टिफाई यानी लेफ्ट और राइट से इक्वल शो करता है आपका, लेफ्ट मार्जिन और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। इसके बाद यहाँ पे आता है एक और आता है आपका, वो है राइट, ये राइट अलाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या है राइट साइड से अलाइन हो जाएगी। तो जैसे आप एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करते हो वैसे ही आपके यहाँ पे सीएसएस के अंदर या एचटीएमएल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद आता है यहाँ पे हमें देखना क्या है मार्जिन और पैडिंग, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं कंट्रोल एस। तो ये डिफॉल्ट हमारा क्या आएगा, डिफॉल्ट साइड में हमें यहाँ पे शो कर रहा है क्या लेफ्ट साइड। अब इसमें स्पेस आ रही है टॉप पे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये स्पेस किस लिए वो आपको देखना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे आप जाओगे, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स में आप देखो यहाँ पे क्या है, ये डिफॉल्ट जो टैग की जो मार्जिन है पी टैग की यानी पैराग्राफ टैग की मार्जिन है वो यहाँ पे कितनी है 60 px है, तो इसको आपको क्या है जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि ये क्या है पी टैग है और इसकी मार्जिन यहाँ पे क्या है 60 px है। यदि बॉर्डर होता यहाँ पे पैडिंग होती तो उसकी भी यहाँ पे साइज से शो करता है। तो इसका हम इसके बीच में जो स्पेस है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं, और क्योंकि ये पी टैग का है तो हम यहाँ पे पी टैग को लेंगे, और इसके बाद इसकी जो मार्जिन है वो मार्जिन हम कर देते हैं 0 px। कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखो इसकी मार्जिन कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये दिया जाओ, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप में जो स्पेस आ रहा था वो स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये क्या है पी टैग की मार्जिन थी। अब इसके बाद हमें देखना है इसमें क्या मार्जिन, तो हम पेरेंट टैग पे आते हैं और इसके अंदर हमें टेस्ट राइट है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो पैडिंग है वो पैडिंग सेट कर सकते हैं। तो पैडिंग के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि पैडिंग क्या है इनर के लिए होता है, इनर साइड में स्पेस क्रिएट करना है, और मार्जिन जो आप मार्जिन होता है मार्जिन आउटसाइड के लिए होता है, तो इनर साइड यानी डिप के अंदर हमें स्पेस क्रिएट करना है, तो डिप के अंदर हम इसको राइट करेंगे, तो यहाँ पे पैडिंग लिखेंगे, और इसके बाद जैसे हम यहाँ पे 20 px करते हैं कंट्रोल एस, तो आप देखो 20 px का स्पेस जो है ये 4 साइड से आ रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये चारों साइड से आपको शो कर रहा है। तो ये होती है पैडिंग की, आपको क्या करना है इनर साइड में स्पेस देना है, डिप के अंदर जो टेक्स्ट है या बॉक्सेस हैं उनके बीच में स्पेस देना है, तो उसके लिए आप क्या है पैडिंग का यूज करोगे। अब पैडिंग यहाँ पे 4 टाइप की होती है, इसमें आप इसको कमेंट करो, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे हम आते हैं पैडिंग पे। तो पैडिंग पे जैसे आप पैडिंग राइट करते हो, पैडिंग में आप देखो 4 टाइप, एक तो लेफ्ट टॉप बॉटम और राइट, ये 4 टाइप से आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हो। तो अगर पैडिंग लेफ्ट की बात करें तो ये लेफ्ट यहाँ पे क्या है, अभी आपका कंट्रोल एस करो तो अभी ये पैडिंग यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यदि हम पैडिंग लेफ्ट क्या करते हैं यहाँ पे 20 px करते हैं और इसके बाद कंट्रोल एस करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या 20 px का स्पेस आ गया। अगर इसको आप क्या यहाँ पे 100 px करते हो तो ये आपको यहाँ पे 100 px का स्पेस देगा, तो ये लेफ्ट साइड से सेट हो गया। ऐसे हमें क्या करना है राइट सेट करना है, तो हम लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट करते हैं, राइट कंट्रोल एस, ये क्या है यहाँ पे ये राइट साइड से स्पेस क्रिएट होता है। ऐसा हमें यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं 30, ये क्या है राइट साइड से स्पेस क्रिएट करेगा। यदि आप यहाँ पे टॉप करते हो, अभी टॉप में यहाँ पे 0 है, तो
इसको यदि आप राइट से टॉप कर लेते हो, पैडिंग टॉप कंट्रोल एस, तो यहाँ पे आपको टॉप से स्पेस देखने को मिलेगा। यदि आप इसको बॉटम करते हो, बॉटम कंट्रोल एस, तो ये आपको बॉटम से स्पेस मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो पैडिंग है उसका यूज कर सकते हो। और पैडिंग का यूज कहाँ पे होता है, जब आपको इनर स्पेस क्रिएट करना होता है, इस कोई भी एलिमेंट है उसके भी अंदर जो स्पेस क्रिएट करना है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पैडिंग का। और पैडिंग के इसमें ये आप फोर टाइप तो यूज ही कर सकते हो, इसके बाद यही फोर टाइप आप एक साथ भी दे सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मल टैग होता है आपका पैडिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसमें यदि आप 20px ऐसे एक नंबर देते हो तो उसमें क्या होगा, ये चारों टाइप साइड से लेता है कंट्रोल एस, ये क्या फोर साइड से ले रहा है। यदि आप यहाँ पे डबल देते हो 20px 30px कंट्रोल एस करो, तो ये आपको क्या है, दो साइड से लेते हैं, टू साइड, पहला तो टॉप बॉटम और दूसरा आपका लेफ्ट राइट। जैसे आप इसको जीरो करो, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू हम जीरो करते हैं कंट्रोल एस, तो आप देखो ये टॉप से यहाँ पे क्या है, जीरो हो गया, और जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्पेस है। अगर लेफ्ट का स्पेस ही आप क्या करते हो, यहाँ पे जीरो कर देते हो कंट्रोल एस, तो ये आपको लेफ्ट से भी स्पेस रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, टॉप बॉटम की, और सेकेंड वैल्यू होती है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की। अब इसमें एक साथ आप फोर साइड की भी वैल्यू दे सकते हो। फोर साइड की वैल्यू आप कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे आप जैसे हम 0px देते हैं फोर, यहाँ पे अभी देखो ये फोर साइड की वैल्यू हमने क्या दिया है, यहाँ पे जीरो दे दिया है। अब इसको हमें देखना है, तो इसके हम करते हैं पहले तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कंट्रोल एस, ये टेस्ट अलाइनमेंट यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई आ गया। और इसके बॉटम में जो स्पेस है इसको कम करने के लिए इसकी हाइट कम कर देते हैं 80, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो टेक्स्ट है वो बॉक्स के अंदर एकदम फिक्स है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक ही लाइन पे जो पैडिंग है इसी में हम चारों वैल्यू देना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम ये सभी को अलग अलग देना है। तो आपको फोर टाइम यहाँ पे राइट नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही लाइन पे दे सकते हो। तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू 0 से इसको 10 करते हैं कंट्रोल एस, कि जैसे हम 10 करते हैं तो इसका क्या है, टॉप की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे 10px का स्पेस क्रिएट करती है। आप इसको 20 करो कंट्रोल एस, तो ये 20px का स्पेस क्रिएट करेगी। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू किसके लिए हो गई, टॉप के लिए। इसके बाद इसको हम 0 करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को हमने 0 किया, सेकेंड वैल्यू पे आते हैं, इसको हम करते हैं 10px कंट्रोल एस करते हैं। तो ये सेकेंड वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, राइट साइड पे, इसको आप यहाँ पे 20 कर लो कंट्रोल एस करो। तो आप देखो सेकेंड वैल्यू किसकी आ रही है, राइट साइड, यानी फर्स्ट किसकी हो गई टॉप, सेकेंड राइट। आप थर्ड को ट्राई करते हैं, थर्ड की वैल्यू हम 20px करते हैं कंट्रोल एस, ये थर्ड वैल्यू कहाँ पे जा रही है आपका, बॉटम पे जा रही है। यहाँ पे आप ये 30px करो कंट्रोल एस करो, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, बॉटम में स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया थर्ड थर्ड पोजीशन किस बॉटम के लिए हो गया। इसके बाद इसमें आ जाओ कहाँ पे, फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे अपन 40 देते हैं कंट्रोल एस, ये आपका कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे। तो जब आप क्या है पैडिंग का यूज करके फोर वैल्यू देना चाहते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू टॉप, फिर इसके बाद टॉप के बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपको वाच के टाइप में होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो पहला क्या है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट में क्या है, 0 है, फर्स्ट में हम यहाँ पे देते हैं 10, सेकेंड में हमको देना है 20, फिर 30 और फिर 40 कंट्रोल एस। तो ये चारों साइड में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कितना 10px है, इसके बाद यहाँ पे आपका 20, फिर यहाँ पे 30 और इसमें फिर आपका 40px। तो इस तरह से आप जो पैडिंग है वो आप सेट कर सकते हैं। अब पैडिंग के बाद यहाँ पे क्या आता है, मार्जिन। तो मार्जिन यदि आप यहाँ पे यूज करते हो पैरेंट टैग के अंदर, ये क्या डिव टैग, डिव है, डिव के अंदर यदि आप मार्जिन यहाँ पे यूज कर रहे हो, इसको रिमूव करें और यहाँ पे आते हैं हम, इसमें लिखते हैं मार्जिन। तो मार्जिन भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप की है। तो मार्जिन हम इसका देते हैं जैसे 100px कंट्रोल एस। तो आप देखो ये मार्जिन क्या कर रहा है,
आउटसाइड में स्पेस क्रिएट कर रहा है। मार्जिन की यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, आउटर स्पेस ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या करता है, आउटर स्पेस यानी बाहर जो स्पेस है वह बाहर स्पेस क्रिएट करता है। तो इसके लिए हमें अगर यहाँ पे टेक्स्ट में स्पेस देना है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस देना है, तो उसके लिए ये मार्जिन आपका यूज होता है कि इसको आपको सेट करना है, टिप को अपने ब्राउज वेब पेज पे कहाँ पे सेट करना है उसके लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए मार्जिन यूज होता है। तो मार्जिन की पोजीशन हमने 100 पीएक्स दी, तो ये टॉप और लेफ्ट से यहाँ पे कितना आ गया, 100 पीएक्स आ गया। यदि आप इसको 20 करते हो, ये आपको 20 पीएक्स में शो करेगा। अब मार्जिन का यूज आप और कर सकते हो, यहाँ पे जब पी टैग पे आओगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे 20 पीएक्स कंट्रोल एस, तो ये आपको यहाँ पे मार्जिन शो हो गई 20 पीएक्स की 4 साइड से। और यदि यहाँ पे आपको मार्जिन के 4 टाइप मिलेंगे, कौन कौन से, प्लस और इसमें फर्स्ट वाली मार्जिन यहाँ से रिमूव करते हैं, क्या डिफॉल्ट मार्जिन यहाँ पे आ रहा है 16 पीएक्स का। अब ये मार्जिन की प्रॉपर्टी आप देखते हैं, सबसे पहले मार्जिन और 0 पीएक्स, ये मार्जिन 0 पीएक्स है यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉक्स में सेट है। अब इसमें आते हैं, हम यहाँ पे देते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसको देते हैं हम 50 पीएक्स, कंट्रोल एस। तो आप देखो यहाँ पे टॉप से कितना स्पेस आ रहा है 50, बाकी क्या है यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यहाँ पे फिक्स है। यहीं पे हम क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम में आते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं मान लो 30 पीएक्स, कंट्रोल एस। अब ये क्या बॉटम में आएगा लेकिन शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो टेस्ट है वो हमारा फिक्स था। तो हम टेस्ट को यहाँ से एक से बॉक्स की साइज यहाँ से इंक्रीज करते हैं 20, और इसके बाद ये टॉप की मार्जिन हम यहाँ पे 0 करते हैं, कंट्रोल एस। तो आप देखोगे यहाँ पे बॉटम से मार्जिन कितनी आ रही है आपकी 30 पीएक्स। अब इसको यदि आप यहाँ पे 0 करो और इसके बाद यहाँ पे आप करो मार्जिन टॉप हो गया बॉटम, इसके बाद लेफ्ट में आ जाओ, इसमें आप 20 पीएक्स कंट्रोल एस करो, तो आप देखो यहाँ पे क्या 20 पीएक्स का स्पेस आ गया। यदि आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो इसको 20 से 40 करो कंट्रोल एस, तो ये आपको 40 पीएक्स का स्पेस देगा। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हो गया, ऐसे हमको राइट में सेट करना है। तो मार्जिन राइट, और राइट में हम दे देते हैं मान लो 50 पीएक्स, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे राइट साइड से स्पेस कितना आ गया 50 पीएक्स का। तो ये मेनली आपका 4 टाइप यहाँ पे होते हैं, यदि आप कोई आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये आप यूज कर सकते हो। अब इसमें मार्जिन में और भी प्रॉपर्टी है, जैसे आप इन चारों मार्जिन को आप एक साथ भी दे सकते हो, जैसे हम पैडिंग एक साथ देते थे टॉप राइट फिर बॉटम लेफ्ट, तो वैसे आप यहाँ पे एक साथ भी दे सकते हो। जैसे इसको हम यहाँ पे रिमूव करें, यहाँ पे क्या है कमेंट बना देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो यहाँ पे हम 0 पीएक्स के बाद नेक्स्ट 0 और 0, तो ये क्या है चारों साइड से यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी 0 पीएक्स है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं 10 पीएक्स, कंट्रोल एस, ये टॉप से हो गया। सेकेंड पे हम आते हैं 20 करते हैं, कंट्रोल एस, ये आपको राइट से हो गया। फिर टॉप के बाद बॉटम 30, ये आपको बॉटम में मिलेगा, और इसके बाद नेक्स्ट इसको 40 करते हैं तो ये आपको लेफ्ट में मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, आप मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है एक साथ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब मार्जिन में एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे मार्जिन इनलाइन, ये क्या होता है मार्जिन इनलाइन यानी आपको मल्टीपल डिव है या बॉक्सेस हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे हम मार्जिन इनलाइन यूज करें और इसको देते हैं 10 पीएक्स, कंट्रोल एस, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी मार्जिन के यहाँ से रिमूव करते हैं,
मार्जिन आपका इन लाइन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास जो जब हम फ्लैक्स देखेंगे, फ्लैक्स प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स, तो उसमें हम यहाँ वहाँ पे देखेंगे मार्जिन इन लाइन वहाँ पे कैसे यूज होता है। क्योंकि जब आप मल्टीपल बॉक्सेस बनाते हैं या मल्टीपल डिव यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या है मार्जिन इन लाइन का यूज कर सकते हो दो बॉक्सेस के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे हम इसका यूज देखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना था कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है, और इसके साथ ही हम इसमें क्या है कितने टाइप से इसको अप्लाई कर सकते हैं।